वसई में जली कार में शव मिलने के बाद मचा हड़कंप। वसई के मधुबन परिसर में बुधवार के दिन उस समय हड़कंप मच गया जब सड़क किनारे एक जली हुई कार में लोगों ने एक जली हुई डेड बॉडी देखी। देखते ही देखते जली कार में डेड बॉडी मिलने की खबर सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो पाया कि जली हुई गाड़ी में और उसके अंदर मौजूद अधजली लाश शूटिंग के लिए इस्तेमाल करने के लिए रखा गया था। कार के अंदर मौजूद शव किसी इंसान का नहीं बल्कि एक पुतला है। पुलिस द्वारा नागरिकों को जानकारी दिए जाने के बाद लोगों ने शांति की सांस ली। ब्यूरो रिपोर्ट पालघर। मेरा नाम राज दसवनी है। हम लोग मधुबन में आज जॉगिंग कर रहे थे तो मैंने देखा कि कार में आग लगी हुई है और कार पूरी तरह से जली हुई है और उसमें एक बॉडी जैसी हम लोग को दूर से जब देखा तो उसमें एक बॉडी जैसी जली हुई देखी है। हम लोग ने जब पास देखा तो कार जो बॉडी थी वो पुतला था और बाद में हमको मालूम पड़ा कि वो एक शूटिंग वाले ने वो कार यूज की थी और उसमें रात को शूटिंग हुई थी और उसमें एक ब्लास्ट किया गया था। पर मेरा बोले जो भी मैं सुबह जो भी लोग इधर आ रहे थे हम लोग तो डर रहे थे कि बॉडी है और कार जली हुई है, आदमी डर भी रहे थे और थोड़ा उधर गर्दी भी जमी हुई थी। मेरा ये बोलना है कि जो भी इधर शूटिंग करता है जो सामान जो भी इसमें पहले भी एक नोट का केस हो गया था, अभी कार बनिंग का केस हो गया था, तो शूटिंग वाले जो भी कार या शूटिंग के लिए सामान यूज करते हैं वो रिटर्न लेके जाए और इसकी महानगर पालिका या पुलिस में लोग इन्फॉर्म करें और अगर जो ऐसा नहीं करता है तो उनके ऊपर पुलिस ने कार्यवाही करनी चाहिए।